आज हम देखेंगे सिस्टम में अगर कैपिलरी या स्ट्रेनर पार्शियल ब्लॉक है तो उसका असर डिस्चार्ज प्रेशर पे क्या होगा। मान लो यहाँ पे सिस्टम में कैपिलरी या स्ट्रेनर पार्शियल ब्लॉक है तो जो भी रेफरेंट यहाँ से कॉम्प्रेस हो रहा है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो उसका जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर से हाई हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग टाइम में जब रेफरेंट कॉम्प्रेस होता है तो इससे हीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। हीट जब रिजेक्ट हो जाएगी तो वेपर रेफरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा कम होगा। अगर कंडेंसर बड़ा है या वाटर कूल कंडेंसर है या लिक्विड रिसीवर है तो इमीडिएटली जो है कंडेंसेशन होता है और जो प्रेशर है क्विकली नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाता है। लेकिन अगर छोटा कंडेंसर है या एयर कूल कंडेंसर है, लिक्विड रिसीवर नहीं है, तो उस केस में प्रेशर को डाउन होने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है।